नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, अगर आप गुलाब का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको टू नंबर की हेल्प से, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, टू नंबर की हेल्प से गुलाब का बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप पहले ऊपर के साइड में एक टू नंबर लिख दीजिएगा। इस तरह आपको एक टू नंबर लिखना होगा। टू नंबर लिखने के बाद क्या करना, ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे वाले लाइन को आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद यहाँ से ऐसे नीचे के साइड में इसको मिला दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको आप आगे के साइड में बढ़ाते हुए यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। यहाँ से ऐसे नीचे के साइड में मिलाइए। मिलाने के बाद दोस्तों, एक लाइन आप इधर से ऐसे ऊपर के साइड में ले जाइएगा और इसको यहाँ पे आपको ऐसे मिलाना होगा। फिर से आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिए, हल्का सा हाफ सर्कल बनाइएगा। फिर इसको ऊपर के साइड में हाफ सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा अंदर के साइड में करते हुए इसको थोड़ा सा बाहर, यानी कि इस साइड आप आकर नहीं मिलाइएगा, यहाँ पर लाकर आप इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक छोटा सा हाफ सर्कल इधर बनाइए, अंदर के साइड में ले जाइए और इसको ऐसे मिला दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आपको एक बड़ा सा यू लेटर लिखना होगा। इधर ऐसे ले जाइए और इधर आकर छोड़ दीजिएगा। फिर इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा और इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर के साइड में कर देंगे। बाहर के साइड में करते हुए यहाँ पे अंदर ले जाइए। देखिए कितनी आसानी से हमारा गुलाब का फ्लावर बनके तैयार होने वाला है। अब आप कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ इस साइड बनाइए, फिर इधर आप ऐसे बना दीजिएगा। बनाने के बाद नीचे के साइड में भी कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ बना दीजिएगा। हल्का सा हाफ सर्कल बनाइए, अंदर ले जाइए, इधर मिलाइए। फिर यहाँ से भी ऐसे गुलाब की पंखुड़ी बनाइएगा। गुलाब की पंखुड़ी बनाने के बाद अब आपको इसका ब्रांच बनाना है। ऐसे नीचे के साइड में ले जाइए, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको डबल करिएगा। यहाँ पर आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद एक लाइन इधर ड्रॉ करिए, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे और कर दीजिएगा। एक छोटी सी लाइन यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब छोटे छोटे यहाँ पे आप ऐसे कांटे बना देंगे। आपने गुलाब का फूल देखा ही होगा, इसमें कांटे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। अब आपको गुलाब का फ्लावर बनाना, वो फ्लावर नहीं, लीव्स बनाना है। इधर ऐसे करिए और इसको आप ऐसे मिलाइएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे। चारों के साइड में कुछ छोटी पत्तियाँ, कुछ बड़ी पत्तियाँ आप ऐसे बना दीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। एक गुलाब की पत्ती आप इस साइड बनाइए, यहाँ पर ऐसे करिए, फिर आगे के साइड में करिएगा। देखिए कितनी बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब का चित्र हमारा बनके तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम गुलाब के फूल को कलर भी करना सीख लेते हैं। Thank you.
हैं।